फाइन। तो देखो इसमें हम लोग को समझना है, देखो इसरो का मिशन हम लोग इससे पहले समझ रहे थे कि इसरो में इसरो ने क्या क्या किया है, कैसे इसरो ने हमें प्राइड किया है। तो बिल्कुल ये इसरो का ही एक मिशन है, इसको बोलते हैं IRNSS। कई बार एडिटोरियल्स में भी आ चुका है, मैं चर्चा कर चुका हूँ। GPS जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो हमारा नेविक है, नेविक को ही हम IRNSS कहते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझते हैं सैटेलाइट नेविगेशन होता क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, कहीं तुमको जाना है तो बोलते हो ना गूगल मैप खोलो, तो गूगल मैप खोलते हो तो क्या होता है बताओ जरा। गूगल मैप से पोजिशनिंग होता है ना, कहाँ पोजिशन करना, किस जगह पे जाना है, नेविगेट करना। देखो नेविगेट, नेविगेशन का मतलब राइट लेफ्ट है ना, बताता है ना उसमें। और किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का मतलब क्या कि उसमें जैसे हम चल रहे हैं और हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो आराम से हम ट्रैक हो जाएंगे। यदि कोई गाड़ी है तो वहाँ पे उस तरह का इक्विपमेंट है तो वो आराम से ट्रैक हो जाएगा। तो यही जो तीन चीज़ है, पोजिशनिंग, नेविगेशन और ट्रैकिंग, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं सेटेलाइट नेविगेट करना, जो कि GPS का काम है। तो देखो सेटेलाइट नेविगेशन का मतलब है ये सिस्टम है जहाँ पर हम सेटेलाइट को यूज़ करके है ना, सेटेलाइट को हम यूज़ करके पोजिशनिंग पे काम करते हैं, पोजिशन दिखाते कहाँ पे है, नेविगेट करते हैं कौन से डायरेक्शन में जाना है, और ट्रैक करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स को। बट वो शर्त ये है कि उस ऑब्जेक्ट में रिसीवर होना चाहिए, रिसीवर मतलब जो डेटा को कैप्चर कर सकेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन होगा तभी हमको ट्रैक कर सकता है, यदि मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो हमको ट्रैक कहाँ से कर सकता है हम, बात समझे। ये सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम होता है ग्लोबल कवरेज, इसका एकदम पूरा ग्लोबल कवरेज, यानी कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है उसको कवर करने का यदि पावर है, कवर करने का मतलब पोजिशनिंग, नेविगेशन और ट्रैकिंग करने का यदि पावर है, तो वो उसी को बोलते हैं ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। यानी कि कोई भी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जिसके पास पूरा ग्लोबल कवरेज का पावर है, जो पूरा वर्ल्ड को कवर कर सकता है, वही क्या है तुम्हारा ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब देखो GPS इतना बड़ा हो गया कि ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लूजली हम लोग GPS भी बोल देते हैं, तो इतना बड़ा ब्रांड है GPS। तो क्या केवल GPS ही है, तो ऐसा नहीं है, ग्लोनास भी है रसिया का, एट द सेम टाइम गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन का वो भी है। ये तीन जो तुम्हारा है ये ग्लोबल सिस्टम है, यानी कि ये तीनों कंट्री ने पूरा ग्लोब को पूरी तरीके से पोजिशन किया है, नेविगेट किया है और ट्रैकिंग किया है, यदि रिसीवर वहाँ पे फिटेड है तो। समझ गए ना। जैसे चाइना, देखो चाइना का जो रीजनल बेदू था उसने कोशिश किया था कि बेदू को भी बढ़ाकर ग्लोबल तक ले जाए, 2020 तक सोच था, बट वो नहीं हो पाया कि COVID-19 आ गया उस समय, इसलिए अभी प्रोसेस में ही है वो। इंडिया, फ्रांस और जापान, देखो इंडिया, फ्रांस और जापान ने क्या रीजनल नेविगेशन सिस्टम किया है, यानी कि इंडिया को, जैसे इंडिया देखो इंडिया का नेविक है वही IRNSS है, तो इंडिया अपना तो पूरा करेगा ही टेरिटोरी, साथ साथ जो 1500 किलोमीटर इंडिया से दूर होगा उसको भी कवर करेगा। उसी तरह फ्रांस तो अपना करेगा ही, या थोड़ा सा और अपने कंट्री से अलग जो एरिया उसको भी ट्रैक कर लेगा। ट्रैक करने का मतलब वही पोजिशनिंग, नेविगेशन और ट्रैकिंग, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेविगेशन सेटेलाइट का डेफिनेशन यही तीन वर्ड से आता है, तो भूलना नहीं है इस चीज़ को। अब देखो एग्जाम्पल, देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। आमतौर पे देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अब समझना होगा तुमको कि सेटेलाइट को कहाँ पे प्लेस करें। हम जानते हैं कि सेटेलाइट अलग अलग जगह पर प्लेस हो सकता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट भी है, लो अर्थ ऑर्बिट जानते हो 200 से लेकर 2000 तक, 180 से भी ले सकते हो, बट एक जनरल कहा जाता है 200 से लेकर 2000 तक। और हम एक जियो सिंक्रनस और जियो स्टेशनरी भी जानते हैं, जो तुम्हारा 3600 कह सकते हो, या फिर प्रिसाइजली कहना है तो 35,786 किलोमीटर कह दो, ठीक है। जो ये बीच का बचता है, यानी कि 2000 से लेके जो 35,786 का जो बीच का बैठेगा, जो बीच का बचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, मिडल ऑर्बिट कहते हैं हम, बात समझे, उसको मिड सॉरी हाँ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मिडल नहीं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, कि जो मिडल वाला पोर्शन है, समझे ना। और जितना GPS का व्यवस्था है, ये GPS का जो चीज़ है, GPS जो अपना सेटेलाइट जो रखा है, GPS बोल रहा हूँ, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही रखा है। बट कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही होना चाहिए, आपका सैटेलाइट ऊपर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रांसमीटर कैसा है, आपके पास एम्पलीफायर कैसा है। यदि एम्पलीफायर बहुत दुरुस्त है, अच्छा है, तो बिल्कुल आप ऊपर भी प्लेस कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीफायर ऑल्सो। एम्पलीफायर क्यों? क्योंकि सिग्नल चाहिए ना आपको अच्छे से। और इंडिया का जो है नेविक, जो है इंडिया का जो नेविक है, वो पूरी तरीके से जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी है। हाँ बिल्कुल, नेवी के ऊपर है तो। बट US का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो तुम्हारा GPS है, वो क्या है तुम्हारा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो ग्लोबल कवरेज कैन बी अचीव बाय सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। अब 18 से लेकर 30 सैटेलाइट साथ गया और नेटवर्क में घूम रहा है,
हाँ, तुम मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी डालोगे तो हो सकता है स्टूडेंट। रीजनल कवरेज, रीजनल कवरेज करना है यानी कि इंडिया ऐसा रीजनल, जैसे फ्रांस किया ना, जापान किया है, यदि रीजनल करना है, ये वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड कवर करना है तो 18 से लेकर 30 तक हो सकता है। अब ये रेंज इसलिए दिया गया कि कहीं तीनों कंट्री का अपना अलग अलग वेरिएबिलिटी है, किसी का 18 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 22 हो सकता है, उस हिसाब से रेंज दिखाया गया। 18 से लेकर 30 पर्याप्त पूरा दुनिया को कवर करने के लिए, इफ़ यू आर प्लेसिंग डेट डेट सेटेलाइट्स इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। बात समझे ना? रीजनल के लिए क्या है, 7 से 10 सेटेलाइट भी प्लेस कर दोगे तो हो जाएगा, समझ गए? अब देखो इंडिया, देखो अब हम लोग बात करेंगे IRNSS का, जिसको हम नेविक भी कहते हैं। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, ये इंडिपेंडेंट सेटेलाइट सिस्टम है हमारा, जो कि इसरो ने खुद बनाया, इंडिजिनसली बनाया, इसको हम नेविक भी कहते हैं। नेविक इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, नेविक का मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, यानी कि नेविगेशन विद कॉन्स्टिलेशन ऑफ इंडियन सेटेलाइट्स, यानी कि इंडियन सेटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन मतलब नेटवर्क, एक नहीं होगा नेटवर्क, मतलब मोर देन टू होना चाहिए, बात समझे? नेविक में देखो 8 सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है हमारा, जो कॉन्स्टिलेशन है वो 8 सैटेलाइट्स का है। तीन देखो कहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है सिविल सर्विस में, पूछा गया क्वेश्चन है। नेविक सिस्टम में हमारा जो 8 सैटेलाइट्स है उसमें तीन जो है वो जियो स्टेशनरी है, जियो स्टेशनरी समझ गया ना, हमेशा एंटीना अप ही रहेगा, उसको घुमाने की जरूरत नहीं है, हमेशा तुम्हारा, तुमको हमेशा वो दिखेगा, स्टैटिक ही दिखेगा, बिल्कुल वहीं पे दिखेगा। और तीन हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और पाँच जो है वो जियो सिंक्रोनस में, जियो सिंक्रोनस का एक पर्टिकुलर टाइम में तुमको वहीं पे दिखेगा, आज यदि उस टाइम में दिखाए तो कल उसी टाइम में दिखेगा तुमको उसी जगह पे, डेट कॉल जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस मतलब केवल अर्थ का मोमेंट से मैच है वो, मगर ओरिएंटेशन से नहीं मैच है, ओरिएंटेशन जैसे वेस्ट टू ईस्ट मैच नहीं है, जो ही नहीं वेस्ट टू ईस्ट मैच हो गया तो जियो स्टेशन ही बन सकता है। हाँ, रोटेशन अब अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, यदि सेम हो गया तो फिर जियो स्टेशन ही बन जाएगा वो, बात समझे? द सिस्टम देखो कितना, जैसे बताएं पूरा इंटायर इंडिया को तो कवर करता ही हमारा नेविक, एट द सेम टाइम 1500 किलोमीटर हमारा कवर करता है। उस मैप में बहुत अच्छे से दिया गया, उस मैप में देखो इंडिया है, देखो मोजाम्बिक जो आज सवाल पूछे थे हमसे तुम, मडागास्कर हो गया तुम्हारा, सऊदी अरब हो गया, इतना देख रहे हो, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सब एरिया आ जाएगा, चाइना पूरा कवर कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, जापान तक हल्का चले जा रहे हैं, देख रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा भी हम कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो और क्या क्या चीज़ है इसमें। तो अब देखो कारगिल वार याद करो स्टूडेंट, कारगिल वार 1991 में हुआ था ना, हाँ 91 में ही हुआ था, हाँ 98 में, सॉरी हाँ भूल गया, 98 में कारगिल वार हुआ था, बिल्कुल सही बात। जब कारगिल वार हुआ था तो उस समय हमारे साथ धोखा भी बोल सकते हो, या फिर जो हम एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं हुआ, ऐसे कह सकते हैं। अब देखो कारगिल वार तो सबसे बड़ा हाइस्ट बैटल फील्ड पर लड़ा गया अभी तक का युद्ध है, सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ा हुआ। अब उतना बड़ा बैटल फील्ड पे, उतना हिमालय में लड़ने वाला चीज़ में तो हमें चाहिए, हमें डेटा चाहिए, पाकिस्तान को ट्रैक करना है, स्थिति ऐसा था हमारा, है कि नहीं बताओ? तो हमें समझ में आ गया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स तो मना कर दिया, ये अपना GPS दिया नहीं, यदि GPS देता तो हम बढ़िया से ट्रैक कर लेते, तो उसी समय हमने शपथ लिया, हाँ उसी समय हमने शपथ लिया कि ठीक है इस तरह का सिस्टम हम भी बनाएंगे, हाँ ठीक है। तो अरे यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी वो अलग है, ओ तुम गरीब है तो तुमको बहुत पुलाएगा, बस देखेगा थोड़ा अच्छा हो रहा है तो फिर भाग जाएगा और फिर टांग खींचेगा तुम्हारा, वो ऐसा कंट्री है, बात समझे? तो देखो इसलिए आवश्यकता पड़ा हमें नेविक का। अब देखो दिस इंडिजिनस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इज कंसीडर्ड एज अ डीप स्ट्रेटेजिक एसेट, समझ गए? क्यों स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसका रीजन वही कारगिल वार है, बात समझे ना? और नेविक का जो यूजेस है दोनों तरफ, सिविलियन पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, जैसे GPS हम सिविलियन पर्पज़ के लिए रखते हैं ना, एट द सेम टाइम मिलिट्री के लिए भी हो सकता है, मिलिट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बात समझे? दोनों के पर्पज़ के लिए हो सकता है। मोर एवर इट हेल्प्स नॉट जस्ट इन लैंड, देखो केवल लैंड नेविगेशन के लिए नहीं है, मरीन और एरियल नेविगेशन के लिए भी, आप देखो एयरक्राफ्ट जाता है तो काम आता है कि नहीं आता है, हाँ पायलट जो करता है तो नेविगेशन वहीं से तो आता है उसको, एट द सेम टाइम मरीन, देखो जो मरीन जो पनडुब्बी सब है या फिर जो नेवी हमारा जो नेवी सब मर्चेंट नेवी सब है पूरा यूज़ करता है इसका, समझे? इसका यूज़ हो सकता है नेविक का, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, देखो टेरिस्ट्रियल एंड मरीन नेविगेशन में, लैंड में तो यूज़ होता है, मरीन में भी यूज़ होगा, मरीन नेविगेशन में भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में कितना यूज़ होगा बताओ, है ना? उत्तराखंड में आ गया, उत्तरकाशी में है ना, बाढ़ आ गया, फ्लश फ्लड आया था ना, तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने कंट्रोल करने में काम आ जाएगा। उसके बाद देखो व्हीकल ट्रैकिंग, कहाँ पे व्हीकल चल रहा है, देखो बेस्ट है, फ्लीट मैनेजमेंट, फ्लीट मतलब जो शिप जो निकला है, जैसे मान लो मर्चेंट नेवी का जो शिप निकला है कहाँ, उसको मैनेज करने में, नेविगेट करने में काम आ जाएगा। और विजुअल और वॉइस नेविगेटर फॉर द ड्राइवर, ड्राइवर को बोलता है लेफ्ट चलो राइट चलो,
है ना, ऑडियो करता देता कि नहीं देता, ऑडियो देता है, विजुअल देता है, इस सब जगह पे तुम्हारा INSS काम है, नेवी का काम है। और जानते हो अब आने वाला ही है ना, स्मार्टफोन में नेवी का आ जाएगा और आने भी लगा है। ऐसे देखो मंगलयान, अब इसरो का और देख लेते हैं मिशन, हम लोग मंगलयान मार्स ऑर्बिटर ये बताए थे ना, हाईली सक्सेसफुल रहा था, काफ़ी सुर्खी बटोरा था इसने काफ़ी ज़्यादा, समझे ना। ये भारत का पहला इंटरप्लानिटरी मिशन है, देखो यानी कि इंटरप्लानिटरी मतलब एक प्लानिट से दूसरा प्लानिट जाने वाला, उसको बोलते हैं इंटरप्लानिटरी मिशन, भारत का पहला है। क्योंकि अभी तो चंद्रयान का ही बात कर रहे थे, अब मार्स का बात कर रहे हैं, बताओ मार्स जाने का बात कर रहे हैं, इसलिए मंगलयान है। कब हमने, इट इज़ एन ऑर्बिटर ऑर्बिटिंग मार्स, कब से घूम रहा है, 24 सितंबर 2014 से घूम रहा है। कब लॉन्च किए थे देखो इसको, हाँ इट वॉज लॉन्च ऑन 15 नवंबर 2013 को लॉन्च किए थे। लॉन्च तब किए थे क्योंकि जाके उधर ऑर्बिटल में जाना थोड़ा टाइम लगता है ना ऑर्बिट करने में, हम 5 नवंबर 2013 किए थे। और जानते हो आस्ते 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 पकड़ टाइम लगता है ना, जानते हो ना कैसे टर्न होता है, सेटेलाइट बताए हैं तुमको, तो ये मत बोलना कि सर इतना गैप क्यों है, गैप होगा ही, वो टाइम लगेगा लूप में जाते जाते वहाँ तक जाने में। देखो इसरो फोर्थ स्पेस एजेंसी है जो कि ये काम कर सका है, यानी कि मार्स में अपना मिशन भेज चुका है। इससे पहले देखो किसने भेजा है, सोवियत ने भेजा है USSR, उसके बाद नासा ने भी भेजा है, और तुम्हारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है। और ये गर्व का विषय हो सकता है कि चाइना से पहले हम लोगों ने कर लिया ये चीज़, चाइना अभी तक नहीं गया है मार्स में। हाँ और यूरोपियन यूनियन, समझे। अब देखो मार्स मिशन जो है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये कौन सा PSLV XL से किए थे, याद है ना PSLV XL, दो वेरिएंट है ना, ये सबसे स्ट्रांग वेरिएंट है, इसमें 6 बूस्टर होते हैं, नीचे लगे रहते हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेज तुम्हारा सॉलिड प्रोपेलेंट, एंड सेकेंड और फोर्थ स्टेज तुम्हारा लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है। अब देखो इस मिशन से भारत का फर्स्ट एशियन नेशन बना इंडिया, ठीक है, इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन है। तो तुम कहोगे सर रसिया भी, तो रसिया यूरोप में भी आता है ना, इसलिए रसिया को हम पूरा हम एशिया की तरफ नहीं देखते हैं। इससे भारत पहला एशियन नेशन बना जो मार्स तक गया है, ठीक है, और वर्ल्ड का पहला नेशन बना है जो पहला अटेम्प्ट में कर लिया। इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी नासा भी पहला अटेम्प्ट में नहीं किया है बाबू, इंडिया पहला ही कर लिया। अब टेक्निकल नहीं दिया, अगर टेक्निकल पढ़ाते तो और मज़ा आता, बट टेक्निकल नहीं जानना है तुम लोग को। देखो तो इसमें देखो सेटेलाइट, अब देखो इसका क्या सबसे खासियत रहा है, कुछ कुछ फीचर्स बताया जा रहा है। देखो इसको मात्र 15 महीना लगा है तैयार होने में, ये अपने आप में बड़ी बात, इतना बड़ा सेटेलाइट बताओ 15 मंथ में ही हमने कंप्लीट कर लिया। देखो कॉस्ट मात्र 450 करोड़ रुपया लगा है, यानी कि अब सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन है अभी तक का, इतना सस्ता में। अब वही यहीं पे कंपेयर किया आता है, 450 करोड़ में तो तुम्हारा हॉलीवुड का एक नॉर्मल मूवी बन जाता है, यही है ना। अब देखो मिशन क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ये MOM का, यानी कि मंगलयान का, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना है, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी जो किए है एक तरह से देखना, चेक करना कि हो सकता है फ्यूचर में और भी नया लॉन्च करेंगे। अब इसको लेकर शुक्रयान का बात हुआ था ना, सुने हो शुक्रयान का, सैटर्न पे जाने का बात था, बिल्कुल। तो द मिशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट, यानी हमारा टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ये कितना टू डेवलप टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग, क्या चाहिए हमको डिजाइनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ऑपरेशन ऑफ इंटरप्लानिटरी मिशन। ये हमारे एक तरह से ना ग्राउंड है, एक तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमारा टेक्नोलॉजी कितना कारगर है डिजाइन के टर्म्स में, प्लानिंग के टर्म्स में, मैनेजमेंट के टर्म्स में, ऑपरेशन के टर्म्स में। द अदर ऑब्जेक्टिव देखो, और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि मार्स सरफेस को जानना, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मंगलयान जो मार्स से देखते हो कितना करीब है हमारा, है ना, हम कितना उस पर रिसर्च किए हैं। देखो इससे पहले भी परसिवरेंस रोवर जो था नासा का, वो बहुत कुछ वहाँ से लिया भी है। तो उसमें क्या था, तुम्हारा मार्स सरफेस फीचर्स देखना है, वहाँ मिनरल्स है नहीं है उसका अध्ययन करना है, और उसका एटमॉस्फेयर को अध्ययन करना है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। देखो अब दूसरा मिशन हम सोचे कि मंगलयान 2 भी भेजना है 2024 तक, देखते हैं कहाँ तक हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, 24 तक हमारा दूसरा भी जाएगा। अब ये बोल रहा है कि देखो इसमें बोला गया कि हाँ अभी श्योर नहीं क्या होगा, ऑर्बिटर हो सकता है लैंडर भी हो और रोवर भी हो, वही जो चंद्रयान में भेजे थे, याद है ना सभी बताए थे ना। और देखो मिशन ये अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2024 में कि 10 साल बाद ठीक है हम लॉन्च करेंगे दूसरा भी मंगलयान 2 भी। जनवरी 2016 में देखो इंडिया और फ्रांस ने भी एक अग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है ना 2020 तक कर लेंगे, बट 2020 में नहीं हो पाया वही COVID-19 की वजह से, कि वो भी मतलब जॉइंट वेंचर करेगा, दोनों साथ में आएगा। इसरो देखो प्लान्स टू, इसरो बोला कि इस बार हम GSLV MAC-3 लगा देंगे अपना, ठीक है, जो सबसे बड़ा उसका है ना, ये लगाएगा। इसरो अभी भी इस चीज़ को लेकर है कि क्या उसको भेजना चाहिए,
ऑर्बिटर लैंडर भेजना चाहिए या रोवर के साथ भेजना चाहिए, केवल ऑर्बिटर भेजना चाहिए या फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट के साथ भेजना चाहिए, इस पर अभी भी बात हो रहा है। अभी फाइनल नहीं, क्योंकि चंद्रयान में हम भेजे तीनों तो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, पार्सल सक्सेसफुल ही रहा, तो आगे क्या होगा, केवल हम ऑर्बिटर के साथ कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगा के भेजे या फिर जो चंद्रयान में जो भेजे थे ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, बताने की जरूरत नहीं है ना ये तीनों क्या है, तो बिल्कुल ये भेजे नहीं भेजे इस पर बात चल रहा है, देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। दैट्स इट।